के हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं वीसी और आप देख रहे हैं बोन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा HDFC बैंक है वो कितना नीचे गिर सकता है और आप अपने इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन कहाँ बना सकते हैं और कौन से इसके सपोर्ट रहेंगे, कौन से इसके रेजिस्टेंस रहेंगे। सो आपको क्या है कि ट्रेडिंग करने में एक आइडिया है। सो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम आ चुके HDFC के चार्ट के ऊपर। तो जो हाल फिलहाल की क्लोजिंग प्राइस है वो कितनी है, तो 1270 हाल फिलहाल की क्लोजिंग प्राइस है। तो इसमें हम सपोर्ट देखेंगे, इसके रेजिस्टेंस देखेंगे। सो आपको आइडिया है कहाँ आपको एंटर होना, कहाँ आपको एग्जिट होना, अपना रिस्क कितना रहेगा, आपका रिवॉर्ड कितना रहेगा, वो सब। तो पहले हम RSI की बात कर लेते हैं। तो जो RSI का लेवल हाल फिलहाल है वो 50.85 है। बाद में अगर मैं इसके नीचे मेरा पहला सपोर्ट देखूं तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो होगा 1235 का लेवल। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसकी बात करें, अगर ये इस पे नीचे आके कोई अपसाइड जाने का मूव देता है तब आप इधर से बाइंग बना सकते हो अपनी। लेकिन देखिए, आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तय कीजिए, अपना स्टॉप लॉस कितना होगा, अपना प्रॉफिट कितना होगा, वो सब करने के बाद ही आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। बाद में अगर ये इसके भी नीचे, इसको ब्रेक करके नीचे चला गया, तो इसके बाद का जो हमारा क्या है कि सपोर्ट होगा वो कौन सा होगा। तो अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो 1180 का होगा। अगर ये 1180 के आसपास से कोई अपसाइड जाने का मूव देता है आपको, तब आप इधर पोजीशन बना सकते हो अपनी बाय साइड के लिए। तो ये थे हमारे दो मेन सपोर्ट हाल फिलहाल के लिए। जो पहला होगा वो 1235 का होगा, दूसरा होगा वो 1180 का होगा। अगर ये इसको भी ब्रेक करके चला गया तो जो हमारा मेन एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा लॉन्ग टर्म के लिए भी ये आप यूज कर सकते हो इसको, तो ये होगी राइजिंग सपोर्ट लाइन। अगर ये आपको इधर से नीचे आके ये राइजिंग सपोर्ट लाइन पे कोई सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखे, तब आप वहां लॉन्ग टर्म के लिए भी अपनी पोजीशन बना सकते हो और ट्रेडिंग के लिए भी अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो ये थे हमारे मेन जो मेजर सपोर्ट थे HDFC के वो। अगर इसमें मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए तो इसमें मेरा रेजिस्टेंस कौन सा होगा, तो जो इसमें मेरा मेन रेजिस्टेंस होगा, जो हाल फिलहाल का हाई है वही मेरा मेन रेजिस्टेंस होगा, जो है 1305 का लेवल। अगर ये 1305 के लेवल से फिर से कोई नीचे जाने का साइन देता है तब आप वहां से शॉर्ट कर सकते हो। अभी मैंने इसमें क्या है कि MACD और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ऐड कर दिया। सो आपको आइडिया है कि MACD क्या बता रहा है और 200 दिन की मूविंग एवरेज कहाँ आ रही है, शायद उस पर भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो हाल फिलहाल MACD पॉजिटिव व्यू में है, नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं दिया है। इसने क्या है कि थोड़े दिन पहले ही पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया था तो अभी इसका नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं मिला है। हाँ, वो बात भी है कि इसमें आपको नियर टाइम में नेगेटिव क्रॉसओवर देके ये नीचे भी जाता हुआ दिखे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए जो MACD क्रॉसओवर है वो पॉजिटिव ही है। लेकिन आप देखो, इसमें अगर नेगेटिव क्रॉसओवर भी मिल जाता है तो अपने तरीके से प्लान कीजिए। अगर MACD पे आप क्या है कि कोई ट्रेड लेते हो तब की बात है ये। और मैं क्या है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज लगा रखे, वो भी हमारे जो क्या है कि ये 1180 का लाइन है इसके आसपास ही आ रही है, तो जो 1180 का लाइन है वो मेरे लिए पर्सनली इम्पोर्टेंट है। वो क्यों है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जब आप इसमें क्या है कि फिबोनाची रेशियो ड्रॉ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आपका फिबोनाची रेशियो जो आप इसमें ड्रॉ करोगे तो फिबोनाची रेशियो के हिसाब से भी जो क्या है कि 1180 के आसपास, एग्जैक्ट 1180 नहीं आ रहा लेकिन 1180 के आसपास आपको फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट रेशियो भी मिल रहा है। तो क्या है कि 1180 के आसपास आपको क्या है कि सब कुछ मिल रहा है, मतलब एक क्या है कि सपोर्ट है, बाद में फिबोनाची रेशियो भी है और जो हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो भी वहां आ रहे। तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में आपको 1180 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रोल करता हुआ दिखे। तो ये था हमारी ओर से HDFC बैंक में क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप इसमें देखो, हाल फिलहाल के लिए मेरे को HDFC बियरिश व्यू में लग रहा है। इन फ्यूचर अगर इसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय साइड की तब मैं इसमें बाय करूंगा, या क्या है कि थोड़ा रिट्रेस करने ऊपर आए बाद में नीचे जाने का कोई सिग्नल दे तब मैं इसमें शॉर्ट कर सकता हूँ। हाल फिलहाल के लिए मेरा HDFC में व्यू बियरिश ही है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो HDFC बैंक के ऊपर। तो जो इसमें पहला हमारा सपोर्ट होगा वो 1235 का लेवल होगा, जो हमारा दूसरा एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा वो 1180 का होगा। बाद में अगर ये इसके नीचे जाता है तो हमारी जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है उस पर हम ट्रेड ले सकते हैं, अगर कोई अपसाइड जाने का सिग्नल मिला तब की बात है। जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो 1305
आज का लेवल होगा। तो इसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई सिग्नल मिलता है जो आप यूज कर रहे हो, मतलब प्राइस एक्शन वगैरह, चार्ट वगैरह, या कोई स्ट्रेटेजी जिसमें आप इंडिकेटर यूज करके, तब आप इसमें सिग्नल। ऐसा ही नहीं कि मैंने कह दिया तो आप सेल साइड के लिए निकल गए बाद में ये सब। तो जहां पे अभी आपको सिग्नल मिल रहा है वहां आप देखो, अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, क्योंकि रिस्क भी आपका खुद का है। तो पहले अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, अगर सही लग रहा है तब भी आप कोई ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।